वंदे मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा अपने उन दोस्तों के बारे में जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिन मेरे दोस्तों का जन्म रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, आज मेरी चर्चा अपने उन दोस्तों के बारे में होगी। बहुत ही ज़्यादा बात करने में चतुर होते हैं मेरे वो दोस्त जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कहूँ कि वाक बात करने की जो एक ये कला है और चतुराई से बातों को घुमाना बहुत ढंग से जो आता है, वो रोहिणी नक्षत्र के मेरे इन दोस्तों को ही आता है। जी हाँ दोस्तों, और जीवन में एक और खास बात होती है कि ये खुद अपनी ही कही गई बातों को काटते भी रहते हैं। ऐसा भी प्राय देखा गया है जिन मेरे दोस्तों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ होता है। आज मैं चर्चा अपने उन दोस्तों के बारे में कर रहा हूं। मैं अपने इन दोस्तों को एक बात शुरू में ही कह दूं कि अगर ये जीवन में सफल होना चाहते हैं, मेरे रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए सभी दोस्तों को मैं कहना चाहूंगा, तो वो अपने जीवन में थोड़ा सा मेडिटेशन को जरूर जगा दें। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मेडिटेशन को जगह दें जिससे इनमें एकाग्र चित्ता आ सके, और अगर ये एकाग्र होकर एक काम को करते हैं जीवन में, तो फिर सफलताओं के शिखर पर पहुंचने से मेरे इन दोस्तों को कोई नहीं रोक सकता। मैं आज बात कर रहा हूँ रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए अपने दोस्तों के बारे में। दोस्तों, इनकी चाहना होती है कि मैं हर कार्य को करूं। जी हां दोस्तों, ये हर कार्य को करना चाहते हैं और एक समय में हर कार्य को करने की जो इनकी ऐसी सोच होती है, इस कारण से सफलता थोड़ा इनसे दूर रहती है। क्योंकि दोस्तों, सफल होने के लिए हमें एकाग्र होकर एक कार्य की ओर फोकस करना होता है, तभी हम जीवन में सफल हो पाते हैं। यदि हम हर तरफ अपने विचारों को घुमाते हैं और हर कार्य की ओर बढ़ते हैं, तो हम किसी एक कार्य में भी सफल नहीं हो पाते। तो मैं अपने रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत पैदा हुए दोस्तों को कहूंगा कि वो इस कार्य पर जोर लगाएं कि वो एकाग्रचित होकर एक ही कार्य को करें एक समय में। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े जो फिलोसफर हैं ना, वो भी रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत पैदा हुए ही मेरे दोस्त होते हैं। इनकी बातें प्राय बहुत दार्शनिक होती हैं, विचार इनके दार्शनिक होते हैं। मेरे उन दोस्तों के जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं आज, कि जिन मेरे दोस्तों का जन्म रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, और जब ये मेरे दोस्त बहुत सारे क्षेत्रों में एक साथ काम करने लग पड़ते हैं, काम करने की ऐसी इनकी इच्छा बन जाती है मेरे रोहिणी नक्षत्र के दोस्तों की, और जब ये इन्हें असफलता यदि कहीं मिल जाए, तो फिर ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं मेरे रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए दोस्त। जी हाँ दोस्तों, सफलता के लिए मैं इन्हें कहूँगा कि ये डेयरी प्रोडक्ट, जी हाँ दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट में यदि अपने किस्मत को आजमाते हैं, तो इन्हें भरपूर सफलता इस क्षेत्र में मिलती है।
जिन मेरे दोस्तों का जन्म रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ होता है। खेतीबाड़ी में भी, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी ये बहुत सफल होते हैं मेरे रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए दोस्त। पहला मैंने बताया मिल्क इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट, दूसरा बताया एग्रीकल्चर। इन दो क्षेत्रों में यदि ये अपनी किस्मत को आजमाते हैं तो बहुत सफल होते हैं रोहिणी नक्षत्र में पैदा लिए हुए मेरे सभी दोस्त। और आगे चर्चा थोड़ा बढ़ाऊं मैं कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है जिन मेरे दोस्तों का जन्म रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ होता है। दोस्तों बहुत सारे कार्यों की ओर हाथ को बढ़ाने के कारण और उन कार्यों को एक साथ करने की प्रवृत्ति रखने के कारण जब ये कामों में असफल होते हैं तो फिर थोड़ा सा ये जैसा मैं कह सकूं कि इनके स्वभाव में थोड़ा सा बेचैनीपन आ जाता है। उस बेचैनीपन के कारण ये फिर इनका व्यवहार अपने जीवन साथी के प्रति उतना अच्छा नहीं रहता जितना होना चाहिए। तो अपने मैं इन दोस्तों को इसीलिए कहूँगा कि अपने लाइफ में मेडिटेशन को स्थान दें और एकाग्रचित होकर एक काम को फोकस करें। मेरे रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए दोस्त और अपनी पत्नी से, अपने जीवन साथी से अच्छा व्यवहार करें तो इनकी गृहस्थी फिर अच्छी बनी रहती है। सेहत के मामले में लापरवाही के कारण इन्हें सेहत में बहुत सारी प्रॉब्लम बचपन से ही देखने को मिलती है। मेरे रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए सभी दोस्तों की मैं बात करूंगा तो सेहत को लेकर लापरवाह ना हो और उन्हीं चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाएं जो इनके सेहत के लिए उपयुक्त हो और जो चीज़ें सेहत के लिए हानिप्रद हों, जो चीज़ें इनके शरीर के साथ सूट नहीं करती हैं उन चीज़ों का प्रयोग मेरे रोहिणी नक्षत्र में पैदा लिए हुए दोस्तों को नहीं करना चाहिए। चर्चा मैं करूं अपनी बहनों की कि मेरी जिन बहनों का जन्म रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, जी हाँ दोस्तों, तो मैं एक लफ्ज में कहूँगा कि बहुत सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामी होती हैं रोहिणी नक्षत्र में पैदा ली हुई मेरी बहनें। जितनी सुंदर और खूबसूरत व्यक्तित्व होता है इनका, आकर्षक और मनमोहक व्यक्तित्व होता है, उतनी ही सुंदर और अच्छी पत्नी साबित होती हैं, अच्छी जीवन साथी साबित होती हैं मेरी रोहिणी नक्षत्र में पैदा ली हुई बहनें। जी हाँ, रोहिणी नक्षत्र में जिन मेरी बहनों का जन्म हुआ है वो बहनें बहुत अच्छी पत्नी साबित होती हैं। रोहिणी नक्षत्र में पैदा ली हुई मेरी बहनें रहती गृहस्थ में हैं लेकिन इन्हें बाहर की दुनिया को भी देखने का उतना ही शौक होता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गई, डिजाइनिंग हो गई, किसी इस तरह की दुनिया में भी देखने का, उतरने की इनकी इच्छा बनी रहती है। मैं चर्चा कर रहा हूँ रोहिणी नक्षत्र में पैदा ली हुई अपनी बहनों के बारे में। चर्चा मैं करूँ कि इनकी सेहत, तो मैं ये खून की कमी की शिकायत मेरी इन बहनों को प्राय रहती है और स्त्री रोग से भी ये ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है रोहिणी नक्षत्र में पैदा ली हुई मेरी बहनों को, तो इस तरफ उन्हें सावधानी रखने की जरूरत है रोहिणी नक्षत्र में पैदा ली हुई मेरी बहनों को। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म
करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।